ये मैं एक्सरसाइज 8 के इस पार्ट में बता रहा हूँ, एंटीजन, जिसको आप प्रतिजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। क्या है एंटीजन? क्योंकि कई बार आपके इस चैप्टर में एंटीजन, एंटीबॉडी ये शब्द आया। एंटीजन के बारे में सिंपल सा समझाना चाहता हूँ। ऐसा कार्बनिक पदार्थ या ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करता है। किसके निर्माण को? एंटीबॉडी, तथा उनके साथ अनुक्रिया करता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? एंटीजन। अब रही बात ये किस प्रकृति का होता है, अधिकांशतः या तो प्रोटीन के रूप में होगा या तो प्रोटीन के यौगिक के रूप में, लेकिन कुछ एंटीजन पॉलीसेक्राइड्स रूप में भी देखने को मिलता है। मैं बात करूं एंटीजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक कहते हैं स्व प्रतिजन, जिसको आप ऑटो एंटीजन कहते हैं, और एक को एलो एंटीजन कहते हैं। ऑटो एंटीजन सिंपल सा जीवों में पाए जाने वाले, ध्यान सुनेंगे, जीवों में पाए जाने वाले स्वयं उत्पन्न रासायनिक पदार्थ। ऑटो एंटीजन क्या है? या जीवों में पाए जाने वाला स्वयं द्वारा खुद से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होता है, जो जीव के सहन शक्ति समाप्त होने पर, किसके, जो खुद के जीव के सहन शक्ति समाप्त होने पर प्रतिरक्षी अनुक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप खतरनाक यानी प्रतिरक्षा का अनियमितता होता है और ऑटो इम्यून डिजीज स्व प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। आइए दूसरा चीज मैं बात करूं, एलो एंटीजन या कुछ जीवों में पाई जाती है, देखा जाता है, जैसे एज लाइक एग्जाम्पल मानव के रक्त में आप जानते हैं ए एंटीजन, बी एंटीजन और आर एच एंटीजन, ऐसे एंटीजन को एलो एंटीजन कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एंटीजन के बारे में बताया। मैं एंटीबॉडी के बारे में बताता हूँ, मैं एंटीबॉडी का बात कर रहा हूँ। एंटीबॉडीज को आप इंग्लिश में ए एन टी आई बी ओ डी वाई लिखते हैं और प्रतिरक्षी पदार्थ भी इसको इंग्लिश करते हैं। इसी का दूसरा नाम कहीं कहीं लिखा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रतिरक्षा एंटीबॉडी, यानी सिंपल सा प्रतिरक्षी पदार्थ को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन कहा जाता है। आई जी से इंडिकेट किया जाता है, आई फॉर इम्यूनो, जी फॉर ग्लोबुलिन। यह एक रासायनिक पदार्थ है, इसका प्रकृति ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में देखा जाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो एंटीजन के प्रति अनुक्रिया के लिए शरीर में उत्पन्न होता है और शरीर में एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीजन से लड़ता है, एंटीजन को नष्ट करता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को एंटीबॉडी कहते हैं। अब आइए मैं एंटीबॉडी यानी इसकी रासायनिक संरचना पर मैं बात करूं। प्रोटीन मूल रूप से या प्रोटीन इकाई के रूप में होता है, प्रोटीन अणु का बना होता है। कितने पॉलीपेप्टाइड का है, कैसा है, इसको स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। आपको मैंने अभी बताया था एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसकी स्ट्रक्चर जिसमें खास रूप से मैंने कहा था यह एक प्रोटीन मूल इकाई के रूप में होता है, लेकिन यह जो बना होता है दो समान जोड़े में चार पॉलीपेप्टाइड चेन का, आपके सामने दिखा रहा हूं, 1 2 3 4, एक जोड़ा, सेकेंड जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़े में चार पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ या एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस एंटीबॉडी में दिखा रहा हूं दो जो छोटा छोटा एक किधर और एक किधर, इसको हल्की श्रृंखला या इसी को आप लाइट चेन कहते हैं, या इसको हल्की श्रृंखला कहेंगे या लाइट चेन। दो बड़ा वाला जो है इसको आप भारी श्रृंखला या आप हैप्पी चेन कहते हैं या एच चेन कहते, इस तरह से नाम आप कहते हैं। दूसरा चीज, ये हल्की श्रृंखला छोटी सी है तो ऑटोमेटिक आप दिमाग में बैठा सकते हैं कम एमिनो एसिड इसमें होगा, और ये बड़ी वाली है इसमें अधिक, इसके अनुपात में अधिक एमिनो एसिड की बनी होगी भारी श्रृंखला। अब यहाँ पर देखा जाता है जितने भी हैं चेन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड एसएस, डाइसल्फाइड के रूप में इंडिकेट किया है। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर में दो तरह के स्थल है, सभी इसमें 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 दो तरह का रीजन में दिखाता हूँ, दो तरह के भाग सब में है। एक भाग को कहते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ स्कलर्ड वाला जो दिखा रहा हूँ कॉन्स्टेंट साइड, या इसी को कहते हैं स्थिर स्थल, इसी को कहते हैं स्थिर स्थल। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों है इसको कहते हैं वेरिएबल साइड, या इसको कहते हैं परिवर्ती स्थल, ये जो है ये वाला, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये साइड जो देख रहे हैं वेरिएबल साइड, और ये जो देख रहे हैं कांस्टेंट साइड।
आखिर कांस्टेंट साइड क्यों कहा, वेरिएबल क्यों कहा, इसको मैं बताता हूँ। आप जानते हैं कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है, और ये जो कांस्टेंट साइड है या दोनों में, बड़े वाले में भी और छोटे, हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला दोनों में उपस्थित है। लेकिन भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला में आप गौर करेंगे, हल्की में छोटा और भारी में भी थोड़ा बड़ा होता है। ये इस साइड को कहीं कहीं लिखा हुआ सी साइड, क्योंकि इसको कार्बोक्सिलिक टर्मिनल भी कहा जाता है। सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसको कार्बोक्सिलिक टर्मिनल भी कहा जाता है, इसलिए इसको सी साइड कहा जाता है। छोटे हल्की श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, हल्की श्रृंखला का जो स्थिर स्थल है ये लगभग 110 एमिनो एसिड का बना होता है, कितना एमिनो एसिड का 110। लेकिन भारी में बड़ा सा देख रहे हैं ये लगभग 310 से लेकर 440 तक एमिनो एसिड इसमें होते हैं। भारी वाले में 310 से 440, हल्की वाले में सी स्थल में आपका 110 एमिनो एसिड की मात्रा होती है। अब रही बात परिवर्तीय स्थल जो चेंजिंग है, आप जानते हैं शुरू से मैंने बताया हर तरह के एंटीबॉडी हर तरह के एंटीजन पे काम करता है, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो है एंटीजन को पहचानने के लिए उसका स्थान देखिए बदलते रहता है, जिसका इसका नाम दिया परिवर्तीय स्थल या वेरिएबल साइट। इसलिए इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहा था, क्योंकि यही स्थल है जो एंटीजन से जुड़ करके उसके विरुद्ध कार्य करता है। इस तरह से मैंने आपको एंटीबॉडी की संरचना बताई। नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, आइए मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के प्रकार। एक्चुअली इसके प्रभाव के कारण इसको पांच समूह में बांटा गया है, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। Ig का फुल फॉर्म आप जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको आप डिटेल्स कर सकते हैं नाम प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन ए, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन डी, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन ई, प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन जी और प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन एम। इस तरह से आप कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में बताता हूँ, इसको स्रावी यानी सेक्रेटरी IgA कहा था, एंटीबॉडी कहा था, क्योंकि यह शरीर के स्रावी भागों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहां स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, इसलिए यह इसे स्रावी IgA भी कहा जाता है। दूसरी चीज, यह श्वसन अंग और आहार नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। कहां सबसे अधिक पाया जाता है, आंसू में, लार में, और माँ जब गर्भावस्था से कंप्लीट खत्म होती शिशु को जन्म देती है, उसका प्रथम वार जो उसके हस्तन से दूर निकलता उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उस कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में पाई जाती है IgA। आंसू में, लार में और कोलेस्ट्रम में IgA की मात्रा अधिक होती है। दूसरा प्रकार है IgD, जिसका की अपचयन तेजी से होता है, घटन तेजी से होता है। इसके बारे में कहा था ये विषैले पदार्थों मतलब जेंस के विरुद्ध प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। यह कहाँ पर पाया जाता है, तो कहा था सिंपल सा प्लासेंटा, माँ के प्लासेंटा के रक्त में उपस्थित बी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के सतह पर उपस्थित रहता है, जो एलर्जी के विरुद्ध कार्य करता है। तीसरा चीज, ल्यूकेमिया जो लिम्फेटिक ल्यूकेमिया की कोशिका होती है उसकी सतह पर भी पाई जाती है, क्या IgD। तीसरा IgE, इसके बारे में सिंपल सा कहा था म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा, फेफड़े, इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी चीज IgE के बारे में, एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेता है, इसे ध्यान रखेंगे। एलर्जी से संबंधित अगर कोई एंटीजन पूछा जाता है वह आपके बोर्ड पर लिखा हुआ IgA यानी ई, ध्यान रखेंगे एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। हिस्टामिन और इंफ्लामेटरी सब्सटेंस को स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे कि एलर्जी तेजी से होता है। दूसरा चीज IgG, IgG कहता है जो हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित सीरम जो होता है उसमें संपूर्ण एंटीबॉडी का 75% सबसे अधिक मात्रा IgG का होता है। यह लंबी अवधि तक यादाश्त बी लिम्फोसाइट के साथ मिलकर रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बनाए रखता है, कायम रखता है, कौन IgG। यह रक्त में, लसिका में, आंत में अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैसे तो शरीर के सभी भागों में पाया जाता है। IgG के बारे में कहा जाता है माता के प्लासेंटा से या भ्रूण तक, प्लासेंटा के द्वारा कहां तक पहुंचता है, भ्रूण तक, और भ्रूण जो विकास कर रहा है वह विकसित भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन IgG। लास्ट है IgM, यह संपूर्ण शरीर में उपस्थित एंटीबॉडी का 10% भाग होता है। इसके बारे में कहा जाता है ये बी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित होने पर जो एंटीबॉडी बनाता है, सबसे पहला एंटीबॉडी कौन बनता है IgM। बी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित होने पर सबसे पहला एंटीबॉडी IgM बनता है, और संक्रमण स्थल पर भी पहुंचने वाला सबसे पहला एंटीबॉडी IgM होता है। इस प्रकार संपूर्ण एंटीबॉडी का प्रकार होता है। नेक्स्ट बताता हूँ, आइए स्व प्रतिरक्षा रोग।
स्व खुद स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में थोड़ा दिन पहले बताया था, उसी को डिटेल्स बताना चाहता हूँ। सिंपल सा इसके बारे में आप कह सकते हैं, यह प्रतिरक्षा तंत्र की एक अनियमितता है, सामान्य क्रिया नहीं, अनियमितता है। या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि असामान्य प्रतिरक्षा क्रिया, यानी यह एक प्रकार का असामान्य प्रतिरक्षा क्रिया है, जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं वाह्य रोगाणु या हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने के बजाय अपनी ही कोशिकाओं, प्रतिरक्षा तंत्र की ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। तो इससे इसके फलस्वरूप उत्पन्न जो घातक बीमारी उत्पन्न होगी, उसी को एक नाम दिया गया है ऑटो इम्यून डिजीजेस। खास करके इस तरह की कई बीमारियां होती है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस को गठिया बात भी आप कहते हैं, क्रॉनिक एनीमिया में खून की कमी आप कहते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो आप जानते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस जो कि मांसपेशी की कोशिकाओं में अगर हानि पहुंचता है तब जाकर कैसा होता है, हेपेटाइटिस जो यकृत की कोशिका है, प्रतिरक्षा तंत्र उसी की कोशिका को नष्ट करता है तब ऐसी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर रक्त कोशिकाओं को नुकसान होता है तब ऐसा होता है। यानी कहने का मतलब है, प्रतिरक्षा तंत्र बाह्य रोगाणुओं को नष्ट करने के बजाय अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है, इस तरह खतरनाक बीमारी उत्पन्न होती है। आइए मैं ड्रग्स के बारे में जानकारी दी, औषधियां ड्रग्स, एक्चुअली इसका मीनिंग लोग गलत निकाल लेते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप कहीं पर भी जाते हैं बाजार में दवा लेने, दवा के दुकान पर आप देखोगे तो ड्रग्स लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, गलत उसका मीनिंग नहीं, बल्कि सिंपल सा कहता है ऐसा रासायनिक पदार्थ, गौर से समझेंगे, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शारीरिक कष्ट या रोग के निवारण अथवा रोकथाम अथवा जांच अथवा उपचार में सहायक हो, ऐसे रासायनिक पदार्थ को औषधि, दवा या ड्रग्स के नाम जाना जाता है। अब रही बात, कुछ ऐसी दवाएं बनती है जो चिकित्सा में उपयोग नहीं की जाती, कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ का निर्माण अवैध रूप से होता है जिसका चिकित्सा में किसी भी तरह का प्रयोग नहीं होता है, केवल नशा के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वह भी गैर कानूनी रूप से, ऐसे आप अवैध औषधि कहते हैं, बेकार औषधि कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर है। एक वर्ड आता है निर्भरता, डिपेंडेंसी, सिर्फ ऐसा कहते हैं यह शारीरिक प्रवृत्ति होती है, शरीर की प्रवृत्ति होती है, जब कोई ड्रग्स या अल्कोहल की मात्रा को अचानक, सामान्य मात्रा को अचानक बंद कर दिया जाए, लेने की जो मात्रा होती है उसे अचानक बंद कर दिया जाए, तो यह अभिलक्षण के रूप उत्पन्न होता है। कैसा लक्षण दिखता है, बेचैनी, मिचली, मन मिचलाना उल्टी के जैसा, बेचैनी, मिचली, कंपन, चिंता, इस तरह के अभिलक्षण उत्पन्न होते हैं, समझ जाता है डिपेंडेंसी यानी निर्भरता, यानी निर्भर है किसी चीज पर। दूसरा वर्ड आता है एडिक्शन, आदत, व्यसन, व्यसन किसको कहते हैं, एडिक्शन किसको कहते हैं, धूम्रपान, ड्रग्स या अल्कोहल लेने की भौतिक एवं मानसिक लत या निर्भरता को एडिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी एडिक्टेड ड्रग्स के बारे में, व्यसनी ड्रग्स बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो।